Good morning to all of you. Today we are going to start your first chapter in SST, The Earth Our Home. So, fourth class, ready to learn? Open your book, page number 214, The Earth Our Home. Read the first paragraph. Firstly, we learned about. आज हम डिस्कशन करेंगे अर्थ के बारे में. हम अपनी अर्थ पे कैसे रहते हैं एंड हमारे अर्थ की शेप कैसी है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो गाइस, रेडी, स्टार्ट. वी ऑल लिव इन आवर हाउसेस विद आवर फैमिलीज. हम सब कहाँ रहते हैं बच्चों? अपने घरों में रहते हैं और अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं. आवर हाउसेस आर ए पार्ट ऑफ सिटी और विलेज. हमारे घर, हमारे हाउस एक पार्ट है हमारी सिटी का, हमारे विलेजेस का, लाइक हमारे शहर और हमारे गांव. अ सिटी और विलेज इज अ पार्ट ऑफ ए कंट्री. हमारी जो सिटी है या जहां पे हम रह रहे हैं, हमारा विलेज है, वो हमारी कंट्री का एक पार्ट है. मैनी कंट्रीज टुगेदर फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट. बहुत सारी कंट्रीज हैं जो लाइक अपने बात करें अगर पाकिस्तान, लाइक हमारी इंडिया, इंडिया इज अ हमारी कंट्री, ठीक है. बहुत सारी कंट्रीज हैं जो एक दूसरे से जॉइंटेड है. लाइक कॉन्टिनेंट इज द नेम गिवन टू लार्ज मासेस ऑफ लैंड ऑन अर्थ. हमारी अर्थ पे जो बड़े बड़े लार्ज मासेस हैं, जिनका वो क्या है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. कॉन्टिनेंट मीन बच्चों लाइक हमारे जो सोलर सिस्टम में मास है, वेनस है, जुपिटर है, बड़े बड़े जो प्लैनेट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं. लुक एट द फिगर गिवन बिलो. देखो बच्चों, सोलर सिस्टम के अंदर द सन एंड एट प्लैनेट that revolve around it form our solar system. जो सन है हमारा और हमारे एट प्लैनेट है, वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं our solar system. The earth on which we live is one of the planet. अर्थ हमारा क्या है, एक प्लैनेट है. Other seven planets are, हमने सन की बात की जो रिवॉल्व करता है, ठीक है. अब हम बात करेंगे हमारे सेवन प्लैनेट्स के बारे में. आप सब मेरे साथ बोलेंगे उन प्लैनेट्स के नाम. फर्स्ट है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज अ प्लैनेट. सेकंड है वेनस, वेनस इज अ प्लैनेट. थर्ड है मार्स, फोर्थ जुपिटर, फिफ्थ सैटर्न, सिक्स्थ यूरेनियस, सेवंथ इज अ नेपच्यून. इट्स नोन एज योर सेवन पार्ट्स ऑफ प्लैनेट. नाउ स्टूडेंट्स, हमने अभी प्लैनेट्स के बारे में डिस्कशन किया. सेवन प्लैनेट्स होते हैं, हमारा अर्थ भी क्या है, प्लैनेट है. हम कहां रहते हैं, प्लैनेट पे, ठीक है. अब हम डिस्कशन करेंगे शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ. हमारे अर्थ की शेप कैसी है, उसका साइज कैसा है. डू यू नो कि हमारी अर्थ कैसी है, बताओ. यस, द अर्थ इज लाइक अ हग बोल. हमारी अर्थ गोल है. पीपल इन द पास्ट हैड नो आइडिया अबाउट इट्स शेप. पहले के लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि हमारी अर्थ कैसी है. नाउ दे बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज फ्लैट. वो क्या अपने आप को कैसे समझाते थे कि अर्थ कैसी है, फ्लैट है. अब आप भी खड़े हो, आपको तो ऐसे लग रहा होगा कि हमारी अर्थ फ्लैट है. नो बच्चों, हमारी अर्थ गोल है, लाइक बॉल, ठीक है. बट इट इज नॉट सो. ऐसा नहीं था, हमारी अर्थ फ्लैट नहीं है, जो पुराने लोग सोचते थे कि हमारी अर्थ कैसी है, फ्लैट है.
इन 1519 की बात करें, देन मैगेलियन अ पोर्टुगीज सेलर स्टार्ट ए लॉन्ग जर्नी फ्रॉम स्पेन विद द फाइव शिप्स एंड मैनी सेलर्स। एक मैगेलियन क्या था, एक आदमी था जो क्या करता था, सेलिंग करता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्या करता था, बहुत लंबे जर्नी को तय करता था। दे कीप्ट ऑन सेलिंग टुवर्ड द वेस्ट। वो कहां जाता था, कहां था सेलिंग, कहां करता था, वेस्ट में। आफ्टर एन जर्नी ऑफ 3 इयर्स द शिप रिटर्न टू द प्लेसेस इन स्पेन फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड। पहले तो वो जर्नी करता था अपनी, लेकिन 3 इयर बाद, 3 सालों बाद उसके क्या आया, शिप्स की इन्वेंशन हुई, शिप्स उन्होंने रेडी किए। दिस मीन दैट दे हैड सेल्ड अराउंड द अर्थ। तो वो क्या करते थे, अर्थ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए शिप्स का यूज करते थे बच्चों। दिस जर्नी शोड दैट द अर्थ हैड नो एजेस। उन्होंने जर्नी से क्या मेजर, क्या उन्होंने फील किया कि जो अर्थ है उसकी कोई भी एजेस नहीं है, कोई भी कॉर्नर्स नहीं है। जो भी वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तब उन्हें पता चल जाता था। दिस मीन इट इज अराउंड लाइक अ बॉल। उन्होंने क्या कहा कि ये एक बॉल की तरह है हमारी अर्थ। लेटर वन एस्ट्रोनॉट्स, व्हाट इज एस्ट्रोनॉट स्टूडेंट्स, जो अपने अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, लाइक सन, मार, जुपिटर, इन सब की स्टडी करते हैं, उनको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमियन। ठीक है बच्चों, एस्ट्रोनॉट ने क्या किया, स्पेस ब्रॉट बैक पिक्चर ऑफ द अर्थ फ्रॉम देयर। उन्होंने ऐसे इन्वेंशन की कि हमारे अर्थ के अबव उन्होंने पिक्चर्स क्लिक की, कैसे की, लाइक इट वॉज अ प्रूफ बियॉन्ड डाउट दैट द अर्थ इज अ राउंड। तो उनका डाउट क्लियर हुआ, उनका डाउट क्लियर हुआ कि हमारी अर्थ कैसी है बच्चों, गोल है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय द क्लास। थैंक यू वेरी